अस्सलाम वालेकुम। ओवरीज फीमेल की बॉडी में मौजूद रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत अहम पार्ट होती हैं। ओवेरियन टॉर्जन की कंडीशन में ओवरीज अपने लिगामेंट्स के अराउंड वाइंड अप हो जाती हैं और ओवरीज में ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिससे ओवरीज स्वेल होके पेनफुल हो जाती हैं। ऐसी फीमेल्स जिनकी ओवरीज अनस्टेबल हों, उनमें ओवेरियन टॉर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओवरीज ज़्यादातर दो वजूहात से अनस्टेबल होती हैं, जिनमें नियोप्लाज्म या फिर सिस्ट की फॉर्मेशन शामिल है। नियोप्लाज्म एक बिनाइन कैंसर है, जिसमें ओवरीज के टिश्यूज एबनॉर्मली डिवाइड होने लग जाते हैं और टिश्यूज मैस बना देते हैं, जिसे नियोप्लाज्म कहते हैं। जबकि अगर फीमेल्स में नॉर्मल फॉलिकल से एग रिलीज ना हो सके या फिर ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल डिसअपेयर ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में फॉलिकल्स में फ्लूइड भर जाता है और वो इनलार्ज होकर सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे सिस्ट कहते हैं। सिम्टम्स: ओवेरियन टॉर्जन की कंडीशन में ओवरीज को ब्लड की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, जिससे ओवरीज स्वेल हो जाती हैं और ओवरीज के टिश्यूज डेड होने लगते हैं, और इस दौरान पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में इंटेंस पेन और पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ओवेरियन टॉर्जन को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। ओवेरियन टॉर्जन को ट्रीट करने के लिए सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जिसमें ट्विस्टेड ओवरी को अनट्विस्ट किया जाता है, और अगर ओवरीज के टिश्यूज डेड हो चुके हों, तो ऐसे केसेस में ट्विस्टेड ओवरी को और कुछ केसेस में फलोपियन ट्यूब को भी रिमूव किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।